यहाँ पर वकील साहब देखिए, मनोज कुमार ने जिस एंगल से बोला था, मुझे लगता है कि उस चीज को समझ नहीं पाए। जिस एंगल से, जिस चीज के लिए सीबीआई गई है, उस चीज में क्या कोई दूसरी एजेंसी अपना पांव अड़ा सकती है, अपना पांव डाल सकती है? सीबीआई जांच कर रही है क्या है कि मर्डर है, तो क्या वहां ईडी वो ड्रग कार्टेल अलग आ गया? मान लीजिए अभी मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज आ जाए तो एक डॉक्टर की टीम अलग जाके, लेकिन मर्डर और हत्या आत्महत्या वाला केस सीबीआई जांच कर रही है, तो क्या बिहार पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस भी उसी एंगल से उसी टॉपिक पे कर नहीं सकती है? उस एंगल से जांच नहीं कर सकते। तो वही तो वही वही तो से कर रहे थे, आप कानून बढ़ा रहे हैं आप दोनों लोग मिल करके, बात को समझे। बॉम्बे पुलिस जैसे ही आप लोग भी हो गए, चीजों को समझ नहीं रहे हैं। अब इसमें गोल्ड स्मगलिंग का अगर कहीं आ जाए मान लीजिए कोई चीज, तो वो गोल्ड स्मगलिंग के लिए अगर कोई और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होगा तो वो उस एंगल से और हर एंगल में अपना केस चलेगा। चलिए चलिए धनुष कुमार जी, अब अपने गेस्ट की तरफ हम चलेंगे। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ रहे हैं एके मिश्रा साहब, धनुष कुमार साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अश्विनी दुबे जो एडवोकेट हैं, एनके सिंह एक्स सीबीआई ऑफिसर। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेशन फर्स्ट पर। एक और मेरा सवाल जो रहेगा वो एके मिश्रा साहब आपसे रहेगा। अब आप मानते हैं कि अगर महाराष्ट्र पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करती तो ये नौबत नहीं आती जो आज जहां पर रिया और सुशांत का केस अभी उतरा है? देखिए मैं समझता हूं कि जब एक हत्या मर्डर या किसी की मृत्यु का संदेहास्पद मृत्यु की जब जांच होती है तो बहुत ही वाइड एंगल से होना चाहिए। अभी तक जो खबरें आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उससे ये पता चलता है कि महाराष्ट्र पुलिस का जो एंगल था, जो जांच करने का एंगल था, वो बड़ा नैरो था। 360 डिग्री उन्होंने एंगल को अडॉप्ट नहीं किया जांच करने का। रीज़न ये है कि हर एंगल को देखना चाहिए था। हो सकता है ये आत्महत्या हो सकता है ये सुसाइड हो सकता है ये प्लान्ड मर्डर हो सकता है इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व रहा हो सकता है कोई ये पर्सनल मैटर के कारण हुआ हो। ये सारे एंगल से उन्होंने नहीं देखा। इसी के कारण सीबीआई जांच की, यानी एक बेटर एजेंसी से जांच की जो है मांग उठने लगी, और वो मांग इतनी तेज हो गई कि अल्टीमेटली सरकार को ये चीज वहां पे डालनी पड़ी, सीबीआई को इन्वॉल्व करना पड़ा। रहा बात जो पूरा मुद्दा है, मुद्दा ये है कि सीबीआई जो इतनी बड़ी जांच एजेंसी है वो केवल एक ही चीज को जानना चाहती है। उसके जो है सेकेंडरी स्टेप के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे लिंक करने के लिए, लेकिन मेन क्वेश्चन यही है कि ये आत्महत्या थी क्या, वाकई में ये आत्महत्या थी कि ये हत्या थी। सारी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन केवल इस इर्द गिर्द, इस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है कि सुशांत सिंह की जैसे ही डेड बॉडी मिली, खबरों में ये आई कि इनकी मृत्यु हो गई, रिया चक्रवर्ती या सुशांत सिंह के अगल बगल सोसाइटी में टच में जितने लोग रहते थे उन लोगों ने बड़े विगरस तरीके से, यानी बड़े विस्फोटक तरीके से, न जाने क्यों ये बात कहना या सोसाइटी में या ये मैसेज देना शुरू कर दिया, ये आत्महत्या है, ये आत्महत्या है। ये भी एक बहुत बड़ा संदेहास्पद फैक्ट है कि भाई अगर किसी की आत्महत्या हो गई तो आप लोग उतना प्रचार क्यों कर रहे थे। ये संदेह का, मेरे हिसाब से संदेह का ये सबसे बड़ा, नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ये लोग दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था विलफुली उसको प्रूफ करने पे ये तुले पड़े हैं कि ये तो आत्महत्या है, ये तो आत्महत्या है। रिया चक्रवर्ती चूंकि सबसे क्लोज थी, सबसे पास रहती थी और बहुत ही क्लोज इनकाउंटर उनका था, एक एक चीज को वो जानती थी, तो शुरुआत जांच की यहीं से होगी। इसमें ध्यान केवल एक चीज रखना है, इसके पहले भी बहुत सारे स्टार्स का जो है मर्डर हुआ, हत्या हुआ, गुलशन कुमार से लेके दिव्या भारती वगैरह, बहुत इसकी पूरी एक चैन है, आज तक कभी कोई जांच नहीं हुई या कभी कोई एक सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन वहां पे नहीं निकला। ये जांच केवल सुशांत सिंह मर्डर केस की तरह मैं नहीं देखता हूं कि सुशांत सिंह जी को न्याय मिल जाए बस जांच वहीं पे खत्म। ये पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का यहां पे पेनिट्रेशन करना चाहिए, उनको प्रोब करना चाहिए ताकि पता चले कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें न जाने कितने कितने लोगों के साथ हुई हैं, कौन सा ऐसा गैंग है, कौन सा ऐसा वहां पे डायनामिक्स काम कर रहा है। देखिए बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे माफिया का इंटरेस्ट रहता है, ग्लैमर है, पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं। शायद वो एक ऐसी जगह है कि पूरे देश के मन मस्तिष्क पे छाने की अगर कोई कला है, कोई इंडस्ट्री है तो वो बॉलीवुड है। इसीलिए वहां पे हर तरीके के माफिया का वहां पे अपना अपना जो है एक पैट होती है, तो इसको प्रोब करना बहुत जरूरी है, जो शुरुआत यहां से हो रही है और बहुत वाइड एंगल यहां पे जो है सीबीआई को भी अपनाना चाहिए। एके मिश्रा साहब एक वाइड एंगल जरूर लेना चाहिए, लेकिन धनुष कुमार जी मेरा एक और सवाल आपसे, एक सवाल आपसे रहेगा कि रिया ने कहा है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब थी,
लेकिन उन्होंने जो फोटोज पोस्ट की हैं, लोगों का कहना है कि आप कहीं से नहीं लग रही हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब थी। अगर मेंटली डिस्टर्ब इसे होना कहते हैं तो शायद आप मेंटली डिस्टर्ब की परिभाषा को बदल रही हैं। तो इसमें रिया चक्रवर्ती कितनी दोषी ठहराई जाएंगे? निकिता बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइन से शुरुआत करना चाहता हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्या आत्महत्या से रिलेटेड डिबेट में मैं कई बार भाग ले चुका हूँ। हाँ। आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने इस दो लाइन से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। लड़ाई या इंसाफ का न्याय चाहिए, लड़ाई या इंसाफ का न्याय चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का कातिल कौन है ढूंढ कर लाइए। यह घटना घटी है मुंबई में, तो सबसे प्रथम मुंबई सरकार का, सर्वप्रथम मुंबई सरकार का और मुंबई पुलिस का। तो मुंबई में सरकार किसकी महाराष्ट्र में आपको भी पता है। हाँ। और मुंबई पुलिस का, तो मुंबई पुलिस के विषय में एक चीज कहा जाता है क्योंकि कई ऐसे बॉलीवुड पिक्चर में उसका स्टाइल भी कॉपी किया जाता है कि कई ऐसे ऑफिसर रहे मुंबई में जिन्होंने, चूंकि आज वहां के कमिश्नर बीजेपी में है और सांसद मंत्री भी रहे, सांसद है बागपत से, तो उनका एक अलग लाइफ स्टाइल था, मुंबई का एक रूपरेखा था। वहां की पुलिस तुरंत 24 घंटे में कोई भी क्राइम होता था तो उसके कातिल को ढूंढ के पेश कर देते थे। जैसे पहले एक समय में जब मैं छोटा था तो पंजाब पुलिस का नाम सुनता था कि पंजाब पुलिस के समय में कोई क्राइम नहीं होती थी, वही उन्होंने मुंबई पुलिस अपनाया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जब जांच करने पुलिस कोशिश करी तो लीपापोती की, जैसे गांव घर में गोबर लेके आंगन को निपते पोतते हैं, उस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने लीपापोती की। और सरकार जो था उसमें पानी का काम किया, उस गोबर में मिलाने के पानी मिला के जो लीपापोती होता, लीपापोती, तो महाराज सरकार लीपापोती किया। और आपने जो कहा रिया चक्रवर्ती, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत का पिक्चर मैं पसंद करता था। सुशांत सिंह राजपूत पूर्वांचल के थे, सुशांत सिंह राजपूत लेकिन बॉलीवुड के सुपरस्टार होने वाले थे, ये मैं पहले भी कहा था, उनमें लक्षण था क्योंकि उनका उनकी इतनी मेहनत थी जितनी मेहनत कोई खान ने नहीं किया। जितने भी खान एक्टर हैं वो सब प्लांटेड है क्योंकि उनके पापा मम्मी सब के सब है या उनके जो रिश्तेदार उसने प्लांट किया। लेकिन ये जो सुशांत सिंह राजपूत था इसको बॉलीवुड में किसी ने प्लांट नहीं किया। हाँ। इन्होंने सफर किया। सफर दो तरह के होते हैं, एक जो दुख से चलने वाला और एक सफर मतलब जो यात्रा तय किया। तो ये दोनों सफर करके बॉलीवुड में क्लब का मेंबर बना था। क्लब मतलब क्या, 200 300 करोड़ 100 करोड़ के पिक्चर इनके भी चलते थे। अब इनके मौत के बाद भी एक पिक्चर आया, लोगों ने उसको पसंद किया, सिंपैथी नहीं, एक्ट, थ्रू द एक्ट बाय द एक्ट उनका पसंद किया, उसकी एक्टिंग के थ्रू पसंद किया। और उन्होंने एक पिक्चर बनाया भी था आपको पता होगा और बहुत लोगों ने पसंद किया। लेकिन आपका सवाल रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती जो कहती है मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं, वो आज ही क्यों डिस्टर्ब है? जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का उसको हत्या का खबर आया या आत्महत्या का ही खबर आया, मैं दोनों बातों में बोल देना चाहता हूं, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं पुलिस को खबर की? क्योंकि अभी जिस तरह सोशल मीडिया और जिस तरह मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं मुझे भी पता है कि वो गर्लफ्रेंड थी अनिता लोखंडे के छोड़ने के बाद, अंकिता लोखंडे छोड़ने के बाद ये रिया चक्रवर्ती उनके संपर्क में आए। हाँ। उनके रिलेशनशिप में आए। हाँ। तो वो गर्लफ्रेंड बन गई। हाँ। तो एक गर्लफ्रेंड अगर मान लीजिए भारत में क्या होता है, भारत में बॉयफ्रेंड का बहुत मायने होता है। मैं मानता हूं आज की संकीर्णता में लोग पसंद नहीं करते हैं। हाँ। लव मैरिज वगैरह को, लेकिन फिर भी भारत का एक वर्ग जो है। हाँ। गर्लफ्रेंड को मत देता। जब हाँ। उनकी मौत की खबर हुई तो क्या उनके पिताजी को फोन किया, क्या महाराष्ट्र पुलिस को फोन किया, क्या वो किसी भी जो सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द रहने वाले सोर्सेज में उनके जो भी रिलेटिव थे, जो भी समर्थक थे, चाहे मीडिया न्यूज, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं भी उन्होंने खबर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्या या आत्महत्या हुआ? आज शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है तो वो मेंटली डिप्रेशन, मेंटली टेंशन की बात कर रहा। इसलिए मैं कह रहा इसको या बॉलीवुड के एक्टिंग की तरह एक्ट है। सर वो तो कह रही हैं, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि मेरी गलती सिर्फ यही थी और मेरी दोषी, मैं दोषी सिर्फ इस बात की हूँ कि मैंने सुशांत से प्यार किया। मैं आपको क्या कर रहा, ये डायलॉग तो कोई भी मारता है। टूटा हाँ। जब दिल तो फसाना हो गया। टूटा हाँ। जब दिल हाँ। तो फसाना हो गया, सामने वाला था जो उसी काम दीवाना हो गया। हाँ। ये तो वो वाली बात कर रही है। हाँ। कि कोई मेरा दिल तोड़ दिया, सामने में कोई लड़का मिल गया, मैं उसका दीवाना हो गया। हाँ। अरे भाई बात है कि जिस दिन 8 जून की बात हो रही है। हाँ। या मान लीजिए जिस दिन उनकी मौत की खबर आई। हाँ। आपने एक भी पोस्ट ट्विटर हैंडल करती है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पे है। हाँ। वो सब कुछ पे है, ठीक है, दूध पीती बच्ची नहीं है।
वो न जाने कितनों को इस मैटर में दूध पिला रही है, वो दूध पिला पिला के लोगों को परेशान करे। मेरा कहना ये है, चलिए चलिए हमारे साथ एनके सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। एनके सिंह साहब अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो मैं उनके पास चलना चाहूंगी। एनके सिंह साहब बार एनके सिंह साहब के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं धनोज कुमार जी और ए के मिश्रा जी आप दोनों से ही एक ही सवाल करना चाहूंगी ग्लैमरस इंडस्ट्री के बारे में। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और ग्लैमरस इंडस्ट्री के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको पता है कि लाइट्स कैमरा एक्शन के पीछे क्या कुछ नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि रिया ही इसके पीछे दोषी थी या फिर कोई और धड़ा भी इसके पीछे है, और अगर है तो क्यों फिर सीबीआई का एंगल या फिर ईडी का एंगल सिर्फ रिया चक्रवर्ती को ही टारगेट कर रहा है? नहीं देखिए, रिया चक्रवर्ती को टारगेट, यहाँ रिया चक्रवर्ती तो चूंकि क्या है, चूंकि सबसे ज्यादा वो क्लोज थी। जब सुशांत जी विक्टिमाइज हुए, उनकी मौत हुई, तो सबसे ज्यादा जो क्लोज थी वो रिया चक्रवर्ती थी, उनके साथ रह रही थी। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई भी आदमी अगर उसके दिमाग में ये आएगा कि हमें इस चीज से सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, तो वो रिया चक्रवर्ती है जो उनके साथ है, कोई और रहता नहीं था। तो रिया चक्रवर्ती तो हमेशा वो सेंटर में रहेंगी। लेकिन मैंने एक चीज जो बोली है, जो आपने एक वर्ड यूज किया अभी कि ग्लैमरस इंडस्ट्री, ग्लैमर की जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड, इंडिया में तो एक ही फिल्म इंडस्ट्री है जो पूरे देश पे राज करती है। वो इंडस्ट्री बॉम्बे एक ऐसी जगह है, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री, जहां पे पैसे के लिए अलग से रैकेट चलता है, ड्रग्स का अलग। देखिए यहां की कोई भी घटना होगी, वहां पे पैसे से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, धमकी देने वाले जितने भी वैरायटी के माफिया होते हैं, वो सारे वैरायटी के माफिया वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए मैंने ये चीज बोला कि ये तो प्राइमरी शुरुआत हो रही है, और सीबीआई को बहुत वाइड एंगल अपनाते हुए पूरे के पूरे नेक्सस को, न जाने कितने ऐसे स्ट्रगलर जो टैलेंट है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि टैलेंट को पल्लवित होने दिया जाए, फ्री कॉम्पिटिशन हो। हम लोग बात करते हैं कि कहीं पे जो है कोई प्रेशर ना हो, लेकिन आपने बोला कि कैमरे के पीछे क्या क्या होता है, इसकी बहुत सारी स्टोरी चल चुकी है। तो जरूरत यह है कि ये एक ऐसा केस हुआ है कि जितनी भी चीजें कैमरे के पीछे होती हैं, उनके नेक्सस को एकदम से तोड़ा जाए, ताकि बॉलीवुड एक ऐसा प्लेस हो कि छोटे से गांव से, छोटे से शहर से जाने वाला भी अगर कोई टैलेंट है, तो टैलेंट वहां पहुंच के पल्लवित हो, वहां नर्चर हो, टैलेंट कि नर्चरिंग हो, ना कि टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाए किसी भी तरीके से, उसको प्रेशर में लेकर के, लॉबिंग करके या थ्रेट दे करके किसी भी तरीके से। ये देखिए, ये केस ये है, आप ऐसे देखिए, गुलशन कुमार जब हत्याकांड हुआ था तो क्या था वहां पे, गुलशन कुमार एक ठेले से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, टैलेंट था, खैर उस जमाने में इतनी चीजें नहीं थी, लेकिन एक टाइम के बाद वहां पे टैलेंट का कब्जा खत्म हो गया। यानी पहले डायरेक्टर वगैरह भी टैलेंटेड होते थे और वो लोग भी टैलेंट को पसंद करते थे, चाहे गायकी का क्षेत्र हो चाहे अभिनय का क्षेत्र, अगर उनको कोई भी टैलेंटेड कलाकार दिखता था तो वो लोग उसको एडॉप्ट करके आगे बढ़ाते थे। उसके बाद इतना ज्यादा कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, जिनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, जबरदस्ती उनको सुपरस्टार बनाया जा रहा है, केवल और केवल लॉबिंग के कारण, क्योंकि वहां पे पैसे की कमाई है और भी बहुत सारे ग्लैमर के फैक्टर वहां पे जुड़े हुए हैं। तो पूरा का पूरा एक ऐसी लॉबी है जो पर्दे के पीछे से लगता है कि वहां पे काम करती है, वहां नेचुरल टैलेंट को, कला से रिलेटेड टैलेंट को अब वहां पे पल्लवित या नर्चर नहीं किया जाता है, वहां पे एक माफिया काम कर रही है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीबीआई को बहुत ही वाइड एंगल अपनाते हुए इस केस को जांच करना चाहिए, क्योंकि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हो सकता है सीबीआई को यही सवाल आपसे भी, एके मिश्रा साहब, कि लाइट्स कैमरा एक्शन या उसके पीछे कोई और भी, उसके पीछे अश्विनी दुबे जी, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी। मुझसे पूछा जी जी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये रिया चक्रवर्ती लाइट में कब आई आपको पता है? जब 15 करोड़ का मामला आया, और वो भी उनके सीबीआई ने, आज सीबीआई ने उनसे जो 10 सवाल किए हैं उसमें एक सवाल ये भी है। हमारे पैनलिस्ट पत्रकार मित्र बता रहे थे के मिश्रा जी, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। रिया चक्रवर्ती को मैं आपको बता दूं, हकीकत में मैं अपने पत्रकारिता जीवन की बात कर रहा हूं, मैंने उसका नाम पहले नहीं सुना था। मैंने सुना ये 15 करोड़ का जब मामला आया, तब जाके पता चला कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या, आत्महत्या, आत्महत्या नहीं है, हत्या है, क्योंकि रुपयों का बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा कि इस मैटर को उनके परिवार के लोगों ने सूचित किया कि इतने इसके अकाउंट से 15 करोड़ रुपया कहीं निकासी हुई है, तब जाके ये घेरे में। आप बात सही भी है, जब आप कह रहे हैं कि हमको जो मृत शरीर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि शॉर्ट से पता चला था वो मर्चरी में भी गई थी, लेकिन सवाल होता है जो सच्चा आदमी होता है, उनको खबर आ जाए कि कोई मर गया है
जैसे मान लीजिए मर गया उसी टाइम से वो उनके साथ होते हैं, अंत समय तक होते हैं, लेकिन इनका जो रोल है वो रोल बिल्कुल संदिग्ध रोल है शुरू से लेके। और ये 15 करोड़ ही नहीं, कई करोड़ का, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत सारे रुपया इकट्ठा किया था कमा के, क्योंकि कई ऐसे पिक्चर थे, उसके कई ऐसे पिक्चर अभी भी फ्लोर पर आने वाले थे। तो आपको भी पता है लाइट कैमरा एक्शन के इस दुनिया में एडवांस लिया जाता जो एडवांस करोड़ों का होता, अगर 10 पिक्चर उसका लाइन में है तो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ तो उनका लिया ही गया होगा एडवांस, तो ऐसे कई रुपया उनको, तो ये सारा करती थी रिया चक्रवर्ती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इन्होंने किया तो करने के बाद ये इसमें रिया चक्रवर्ती का नाम आया, यहां से सब के घेरे में आए, फिर ईडी ने शिकंजा कसा, फिर सब सारे फैंस जो सोशल मीडिया पे थे इनके सुशांत सिंह राजपूत के, उन लोगों ने एकदम ट्विटर हैंडल शुरू कर दिया और इस तरह से बात आगे आई। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, शुरू से जो महाराष्ट्र सरकार, आप कहेंगे बार बार धनो जी महाराष्ट्र सरकार का नाम क्यों ले लेते हैं, अरे बॉलीवुड चल रहा है उससे महाराष्ट्र चल रही है, महाराष्ट्र का जो इकोनॉमी का उससे सबसे ज्यादा ये लाइट कैमरा एक्शन के जगत से ही चल रहे हैं, क्योंकि वहां तमाम हीरो हीरोइन साउथ से भी लोग वहां शिफ्ट करते हैं और सारी कमाई टैक्स के रूप में आपको पता है वो महाराष्ट्र सरकार को ही मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार भी, उद्धव ठाकरे ने भी नहीं कहा और जो वहां के होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख उन्होंने भी बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे राजनीति की बू आ रही है और जो आप कह रहे हैं मैं वो चीज का नाम नहीं लेना चाहता, माफियाओं का, माफियाओं को बचाने के लिए, क्योंकि माफियाओं का सबसे ज्यादा संबंध अगर किसी से होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही बेबाकी से कहता हूं, वो नेताओं से होता है, क्योंकि माफिया का लेनदेन पुलिस वाले से कभी नहीं होता, माफियाओं का लेनदेन बड़े बड़े नेता से होता, मिनिस्टर से, इवन आप समझ लीजिए सुप्रियर आप एस्टेट उनसे होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बड़े बड़े लोगों को बचाने की साजिश चल रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूं कि आपको बताना पड़ेगा, मैं भारत सरकार से भी कह रहा हूं और राज्य सरकार महाराष्ट्र से भी कह रहा हूं कि आपको बताना पड़ेगा, लाखों करोड़ों फैंस के हीरो सुशांत सिंह राजपूत का हत्या था, आत्महत्या था, आपको जांच करनी पड़ेगी। एनके सिंह साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, महाराष्ट्र पुलिस जो इसकी तहकीकात ठीक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं कर पाई, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की या महाराष्ट्र प्रशासन की, महाराष्ट्र पुलिस की छवि को धूमिल करता है? सबसे पहला सवाल सर, ये कैसे कर सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने ठीक से जांच नहीं किया, आप कैसे कर सकते हैं? इस निष्कर्ष पर जब महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही थी और जांच के खत्म उसका करीब करीब होने को था और उनका जांच का नतीजा का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो महाराष्ट्र पुलिस ने, आपने क्या कहा, जांच नहीं की, क्या कहा आपने महाराष्ट्र पुलिस के बारे में क्या कहा? देखिए कुछ त्रुटि हो सकता है, कुछ जांच में कमी रह जा सकता है, जैसे कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा गया है, तो वो एक त्रुटि हुआ, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस तो जांच कर रही थी और जांच में लगी थी। इसको आप सीबीआई ऑफिसर रहे एनके सिंह जी, माफी चाहता हूं मैं आपसे सर, ये त्रुटि सोच के बोलिए आप, क्या सरकार के प्रवक्ता है हमारा सरकार के, एके मिश्रा साहब, एके मिश्रा साहब, एके मिश्रा साहब, बयानबाजी नहीं हुई, एके मिश्रा साहब पहले आप किसी का बयान लिया वो साइन नहीं है, एके मिश्रा साहब पहले आप एनके सिंह की बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका सुना जाएगा। क्या ये भारत, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं आप एनके सिंह जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या घुस देख के सिंधिया बोलते हैं क्या, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मिश्रा साहब पहले आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। जी बोलिए एनके सिंह। ये कौन बोल रहे थे सर? एके मिश्रा साहब हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार। ये पत्रकार साहब अगर इतना चिल्ला के बात करेंगे आपसे, अच्छा एनके सिंह साहब आप बोलिए। नहीं नहीं ये तरीका गलत है सर, सच्चाई को चिल्लाना कहते हैं, मेरा नाम तनोज कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हो, सच्चाई को चिल्लाना कहते हैं क्या? आपने एकदम से ये आवाज आवाज इनको कहिए कम करें, संजय के घेरे में सर, देखिए उसके आप सीधा कह दीजिए मैं महाराज पुलिस को बचाव करने आया हूँ नेशन फर्स्ट पे, तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। ये देखिए क्यों, देखिए मैं अब इसमें भाग नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा,
क्योंकि मेरे ऊपर ये अभियोग लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस को, मैं उसको महाराष्ट्र पुलिस को क्यों बचाऊं? नहीं सर, यहाँ पे कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है सर, यहाँ पे कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है। आप अपनी बात कही, आप अपनी बात कही सिंह साहब। धनुज आपके मन के मुताबिक मैं ये पक्ष नहीं दूंगा। मैं मेरा जो विवेक है, मेरी जो जानकारी है, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं सीबीआई में 10 साल काम किया हूँ, तो मेरा बोलने का कुछ और होगा, कोई जरूरी नहीं कि आप जो बोलते हैं वही उसी को मैं। एनके सिंह साहब, आप मुझे टेक्निकल चीजें, एनके सिंह साहब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं यहाँ एंकर हूँ और मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे टेक्निकल चीजें। हेलो, मैं अपनी बात समाप्त कर दूँ। देखिए, जांच का मामला ऐसा है, उसमें हम लोग बिना पूरे जानकारी के और उसका जो रिपोर्ट है उसको देखे, मैं हम लोग को किसी निष्कर्ष पर इस तरह से नहीं जाना चाहिए, हम नहीं जा सकते। मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, सीबीआई में काम किया हूँ, तो अब महाराष्ट्र पुलिस में मैंने कहा था कुछ त्रुटि तो उनसे हुआ है, जैसे ऑटोपसी रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ नहीं हुआ या इत्यादि कुछ त्रुटि हुई हो, लेकिन वो जांच कर रहे थे और वो जो निष्कर्ष आए, जो वो रिपोर्ट हम लोगों ने देखा नहीं। इस बीच में बिहार पुलिस ने एक क्रिमिनल केस रजिस्टर किया और वो भी जांच करने लगी, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सारे बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि सीबीआई इस केस का जांच करेगी। अब सीबीआई की टीम वहाँ पहुंच चुकी है एसआईटी, और वो जांच में लगी है, हम लोग देखे सीबीआई क्या करती है। लेकिन एनके सिंह साहब, एनके सिंह साहब, मैं आपकी बात समझ गई, आपने बोला त्रुटि है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी अश्विनी दुबे हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया है कि बॉडी हर एक टाइम पर चीजें चेंज करती है, तो बॉडी की टाइमिंग नहीं नोटिस की गई है सर? जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी की टाइमिंग लिखी जाती है, टाइमिंग तक नहीं लिखी गई है। मैं तो आपको कह दिया हूँ कि ये बात तो उभर के आया है शास्त्रीय रूप से, तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उन्होंने कहा। और अब चलते हैं एके मिश्रा साहब के पास। एके मिश्रा जी, कई सालों पहले हमने एक आरुषि हत्याकांड केस देखा था और उस केस में भी आरोप लगे थे कि वो केस पुलिस के पास जाते जाते सीबीआई के पास चला गया था, लेकिन सर हाथ कुछ नहीं आया। देखिए, कोई भी जांच एजेंसी हो, पर्टिकुलरली अगर मैं अपने देश में बात करूं, जो प्राइमरी लेवल से जांच शुरू हो करके जो एजेंसी जितने भी तरह की एजेंसी है उसमें जो हायरार्की है, टॉप लेवल पे जैसे अगर सीबीआई आती है तो दोनों के साथ ही सक्सेस और फेल्योर भी जुड़े हुए हैं। ऑफकोर्स महाराष्ट्र पुलिस हो या सीबीआई हो, कई सक्सेस और फेल्योर जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि पास्ट में अगर सक्सेस और फेल्योर हुआ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस जांच एजेंसी को जो है अब ये जाँच न दिया जाए या इस केस की जाँच न की जाए। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ, ये जाँच या ये घटना इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है, और जो चीज़ मैंने बोली 360 डिग्री, यानी सीबीआई को अपना माइंड मेकअप केवल इस कांड से ही रिलेटेड नहीं, वहां तक ही नहीं तैयार करना चाहिए, एक पूरी फेहरिस्त है। बॉलीवुड को मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ा मंच है जहां पे पूरे देश के टैलेंट को नर्चर करना चाहिए और वहां जाकर के उनका शोषण होता है। आप देखिए कितनी डिबेट, कितनी खबरें चल चुकी हैं, अभी इसके पहले कास्टिंग काउच की बात चली थी, मतलब कोई अगर नया टैलेंट सोच ले हमारा देश कहां जा रहा है। बॉलीवुड को और इन सब संस्थाओं को टैलेंट को नर्चर करना चाहिए और वहां जाके वो शोषित होने लगते हैं, वहां के प्रभावशाली लोग शोषण करने लगते हैं टैलेंट का, तो ये तो बहुत ही अनफेयर तरीका है और इससे पूरे देश का जो टैलेंट होता है वो वैश्विक रूप में उभर नहीं पाता है। क्यों नहीं हमारी फिल्में ऑस्कर जीत पाती हैं, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जब असली टैलेंट जो होता है, रियल टैलेंट होता है, वो वहां पहुंच नहीं पाता है, पहुंच भी गया तो वो नर्चर नहीं कर पाएगा, नर्चर अगर करेगा तो 2-4 फिल्मों के बाद वो आउट हो जाता है। और ये तो हत्या या आत्महत्या है, ये केस बड़ा संगीन है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे जैसे सीबीआई प्रोब करेगी, आप देखिएगा कि इसके कनेक्शंस ऐसे जगह, ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल की बात अभी आ गई, अभी देखिए प्राइमरी लेवल पे ही जांच है, सीबीआई कोई
फाइनल कंक्लूजन नहीं दे पाई है, लेकिन एक एंगल और जुड़ गया, फिर आप जाएंगे तो पता चला कोई एक और माफिया का एंगल जुड़ गया, फिर सीबीआई जब आगे जाएगी, अभी देखिए महेश भट्ट का भी नाम उसमें आया हुआ है कि इनके रिलेशंस वहां पे हैं कैसे हैं, अगर सीबीआई प्रूफ करना चाहेगी तो बहुत बहुत सारी चीजें यहाँ पे खुलेंगी। ए के मिश्रा साहब, मैं आपके पास, धनोज कुमार साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक पूरा टर्निंग पॉइंट इस केस में तब आया था जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR दर्ज करवाई थी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में। और सर, दूसरी बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा जो केस हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र प्रशासन हमेशा आरोपों के घेरे में रहा है, आपको क्या लगता है कि आरुषि केस जो केस हुआ था उसकी तरह क्या सुशांत केस भी बन जाएगा? देखिए, लग तो वही रहा है, क्योंकि मैं आप ही के चैनल के आप ही के डिबेट में मैंने कहा है कि महीने में 30 दिन होते, अगर कोई महीना 31 माह है और दो महीने हो गए तो 62 डेज हो गए, आज तो 65वां दिन हो गया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पुलिस को जब मृत बॉडी की खबर दी जाती है तो सर्वप्रथम उसी का बयान लिया जाता है, बॉडी उठाने से पहले बयान लिया जाता है। अगर आप भी अभी फोन करके महाराष्ट्र पुलिस से पूछेंगे, उस लोकल थाना जो इसके इलाके में आते हैं, तो उनके पास ये नहीं मिलेगा। मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा, मैं अनुमानता कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो बयान लिया होता उसी टाइम उस घर में जो जो लोग थे, क्योंकि पुलिस का काम, अगर मान लीजिए किसी के घर में भी कोई आत्महत्या मिला जाता बॉडी, मान लीजिए कोई लाश मिलता है, मैं लाश शब्द का यूज कर रहा हूँ, पहले बॉडी यूज कर रहा था, लाश मिलता, उसको उठाने से पहले वहां बयान लिया जाता है, उसको रेखांकित किया जाता है, इसको कहते हैं आफ्टर डेथ इंफॉर्मेशन सोर्स। आप पुलिस को इंफॉर्मेशन किसने इन्फॉर्म किया? उसके रिश्तेदार थे, गर्लफ्रेंड थे, उनके मैनेजर थे, उनके नौकर थे, कौन थे? और दूसरी बात, अगर घर का लॉक नहीं खुल रहा है तो पहला ही उसी टाइम होना चाहिए था पुलिस को इन्फॉर्मेशन। क्या पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी नहीं ना? तो मुझे इसलिए मैं कह रहा हूं कि आए दिन, मैं पुख्ता दावे के साथ इसलिए कहता हूं कि पुलिस, जो महाराष्ट्र पुलिस संदिग्ध स्थिति में इसलिए है क्योंकि उनका पहले दिन से नेचर पुलिस के तरह नहीं दिख रहा, क्योंकि बयान होने के बाद ही उनको भेजा जाता, क्योंकि उल्लास तो हो चुके, मर गए थे, वहां तो कोई रोल ही नहीं है, वहां रोल है पहले सबका बयान लो, उस घर में जो भी थे उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो, क्योंकि वहां बयान अगर नहीं दे रहे थे, पहले उसको थाना लाना था, उन लोगों का उनका बयान लेना था, उनसे साइन, बयान जब होता है तो साइन होता है, और फिर जिस ऑफिसर ने बयान लिया है वो ऑफिसर साइन कर रहा है, अगर हमारे पूर्व अधिकारी सुन रहे होंगे तो वो भी इस बात को जानते होंगे। दूसरी बात, सीबीआई यहां से गई, जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात हो रही है, जहर का मामला साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के द्वारा होता है, क्यों जहर जो है कितना मात्रा में जहर यूज किया गया, ये थोड़े ना कि एक बाल्टी जहर पी लिया, जहर का मतलब होता है उसकी जहर की मात्रा क्या थी, कौन सी जहर लिया गया, तो पुलिस सारे चीज की व्याख्या करती है। क्या पुलिस के पास ऐसी व्याख्या है? मैं सीनियर जर्नलिस्ट धनोज कुमार आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं महाराष्ट्र पुलिस से, अगर है उसके पास तो वो दिखाए कि जहर का विवरण क्या था, कौन सा पॉइजन उन्होंने यूज किया था, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूं, कई बार कह चुका हूं दावे के साथ, कि यह सिर्फ लिपापोति हो रहा, जो आपने सवाल किया उसी वाला वही होगा, लास्ट में निकलेगा वही खुदा पार निकला चुहिया, आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि फेडरल इन नेचर में, हमारे देश में फेडरल इन नेचर, वकील साहब बताएंगे, क्योंकि अदालत के अंदर भी जाता है, जब तक इनको वकालतनामा में साइन नहीं कर सकता तब तक ये अदालत में नहीं जा सकते, अदालत में नहीं कह सकता कि मैं इसका पैरविकार हूं, तो बिना सिग्नेचर का कोई भी आईपीसी चल नहीं सकता। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, संविधान कहता है कि आईपीसी मतलब पुलिस पूछताछ हुई किससे किया और पुलिस की अगला रणनीति क्या था, वो रणनीति को बताना होता सुपीरियर को, कौन सा सुपीरियर को बताया, अगर सुपीरियर को बताया होता तो यह सितारा था बॉलीवुड का, मैं बार बार कहता हूं उसमें लक्षण थे सुपरस्टार बनने का, और वो भी 100 करोड़ के पिक्चर उनके होते थे। तो मैं आपको बता रहा हूं, तुरंत डीजीपी साहब आ जाते कि ये प्राइमरी जांच है, इस जांच में इन लोगों का बयान ले लिया गया है, और ये पूछ लीजिए वकील साहब से, बताएंगे आपको। और मैं ये नहीं कहता, मेरा भी जिंदगी पत्रकारिता में यही गुजरा है, काफी दिन मेरा थाने के अंदर गुजरता है, क्योंकि मैं हमेशा कानून से बात करता रहता हूं कि कोई भी गरीब गुरबा पे होता है तो तुरंत जाता हूं। और पीआईबी का रिपोर्ट क्या होता है आपको पता है? पीआईबी का रिपोर्ट यही होता है कि किस केस में कौन सा सेक्शन लगा और उस सेक्शन के तहत किसको गिरफ्तार किया और किसको छोड़ दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस के पास कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए सीबीआई पुलिस आई। सीबीआई पुलिस भी आई तो बहुत बड़ा दबाव में आया, जनता के दबाव से और बिहार सरकार के दबाव से। कोई ये नहीं कि महाराष्ट्र सरकार ने मांग किया हो कि हमारी पुलिस जो है असमर्थ है इसलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो राजनीति वही दिखता है और महाराष्ट्र पुलिस की नियत वही दिखता है कि महाराष्ट्र पुलिस किसी न किसी को बचा रही है, इसलिए बचा रही है, छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। इसके में बहुत बड़े आदमी होंगे, उसको बचा रहा है। धनोज जी, तो मैं ये मान लू ना कि पुलिस और प्रशासन से बड़े माफिया बैठे हैं मुंबई में? बिल्कुल ये सत्य है। आपको एक नाम मैं नहीं लेना चाहता जो इस देश से भागे हुए हैं
उनका हाँ। यहाँ पर सिक्का चलता था हाँ। लेकिन जब से यहाँ की देशों की ताकत मजबूत हुई, मैं किसी का नाम लेने के लिए यहाँ किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, इशारों में बात कर रहा आपको, तो वो यहाँ छोड़ के भाग गए, कराची में शरण लिए हैं। सर उसी सिक्के के शिकार बन गए, सर उसी सिक्के के शिकार बन गए क्या सुशांत सिंह राजपूत? मैंने आपको क्या कहा, सुशांत सिंह राजपूत उभरता हुआ कलाकार था, उनका पिक्चर उनको बेधड़क साइन करता जा रहा था, इसलिए क्योंकि वो सक्सीड का गारंटीड बन चुका था, प्रतीक बन चुका था, वो जिस पिक्चर में होते थे वो पिक्चर हिट होते थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कुछ ना कुछ तो ये पॉलिटिक्स वहां हुई है, और इस पॉलिटिक्स में जैसे हमारे मित्र के मित्रा ने भी कहा माफियाओं का नाम लिया, देखिए बॉलीवुड में क्या है, जहां करोड़ों का मामला चल रहा है, एक तरफ देश में बहुत सारे लोग भुखमरी से गुजर रहे हैं, और एक तरफ आपको यकीन मानिए एक पिक्चर में काम करने के लिए 50 करोड़ 100 करोड़ ले लिया जाता है। हमारे देश की विडंबना है कि एक व्यक्ति 8 घंटा काम करके वो ज्यादा से ज्यादा 8,000 रुपया कमा सकता है, एक महीना काम करके 8,000 कमा सकता, और एक व्यक्ति एक ही दिन में वो 100 करोड़ 50 करोड़ 28 करोड़ एक पिक्चर साइन करके ले लेता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बॉलीवुड है ये पैसों का खजाना, इसको आप खदान कह सकते हैं, इसको खदान कहिए सोने का। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जो था उनके कई जैसे कहते हैं आजकल एक प्रोपेगेंडा चल रहा कि उनको गर्लफ्रेंड के वजह से हो गया, वो डिप्रेशन में थे, उनको ऐसे हो रहा था। लेकिन आपको मैं बता दूं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जहर की मात्रा कितनी थी, साइकोलॉजिकल सीबीआई को भी अपने टीम में इस देश के तमाम बड़े साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को ले जाना चाहिए था। बिल्कुल, आज हमारी डिबेट का जो मकसद है वो यही है कि रिया चक्रवर्ती के अलावा जो कोई और भी लोग हैं वो बाहर निकलकर सामने आए। बहरहाल मैं एनके सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगी। एनके सिंह साहब, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगी। सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स विभाग, इन तीनों एजेंसियों के पास गिरफ्तारी का अधिकार होता है। अगर किसी भी एक एजेंसी को रिया को गिरफ्तार करती है तो क्या ये तीनों एजेंसी अपने आप में तालमेल बैठा पाएंगी? ये जांच सीबीआई कर रही है? नहीं सर, ये जांच तो सीबीआई कर रही है, सुसाइड था या मर्डर था। लेकिन मेरा जो एक सवाल है आपसे वो ये है कि अगर ईडी या नारकोटिक्स विभाग ये दोनों अगर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी करते हैं तो क्या सीबीआई को कोई आपत्ति होगी? ये तो सीबीआई ही बतला सकता है, मैं नहीं बतला सकता, ये मैं नहीं बतला सकता हूँ सर। एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अगर सीबीआई जब सीबीआई जांच बैठ जाती है तो दूसरे किसी भी एजेंसी को अरेस्ट करने का पावर नहीं होता है, ये तो मुकर रहे हैं सिंह साहब। मैं आपको बताता हूँ बाकी हमारे देश के कानून कहता है जिस पर सीबीआई जांच बैठ गया जब तक सीबीआई का फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक दूसरे एजेंसी उसको टच भी नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नारकोटिक्स और बिल्कुल कानून के तहत कह सकता हूँ। तो सर नारकोटिक्स विभाग और ईडी विभाग का फिर क्या होगा? हेलो हाँ जी जी, मैं ये कानून कहीं नहीं पढ़ा है। एनके सिंह, सीबीआई के पास जांच हो रहा है तो दूसरे एजेंसी इकोनॉमिक ऑफेंस या ड्रग्स के पास धनोज जी इसका जवाब देंगे। धनोज जी जवाब दीजिए, ये आईपीसी के बारे में बात कर रहा हूं, आपको मैं सेंड कर दूं। जब सीबीआई जांच किसी सरकार के द्वारा बैठ जाती है लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर में तो दूसरी एजेंसी को हिम्मत रखो कि इंसान लोग बैठेगा कुछ नहीं। जो वकील साहब ही बताएंगे, सर वकील साहब से या वकील साहब के पास ही मैं जाऊंगी। अश्विनी जी, अगर सीबीआई जांच करती है किसी भी केस की तो क्या किसी भी जांच एजेंसी को गिरफ्तारी का हक होता है? ये अलग अलग पैरेलल जांच जा सकती है। हाँ। इसी केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग जांच कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग जांच कर रही है। हाँ। ड्रग एंगल अलग देखा जा रहा है। आप पीछे दामरम के केस में देखिए, नहीं सर गिरफ्तारी एनफोर्समेंट डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। एनके सिंह साहब सही कह रहे हैं, एनके सिंह साहब बिल्कुल कहना सही है, एनके सिंह साहब सही कह रहे हैं, एनके सिंह साहब बिल्कुल कहना सही है। इन कंट्रोवर्सी बजट और दिशा हम चैलेंज करना वो कर रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा सीधे सिंपल मुद्दा था कि रिया चक्रवर्ती के पास क्या प्रोबेबल डिफेंसेस हैं और रिया चक्रवर्ती के पास क्या क्या हो सकता है, इन टेक्निकलिटीज में फंसने के अलावा कौन जांच कर सकता है कौन जांच नहीं कर सकता। हाँ। ये विषय नहीं है, विषय यह है कि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल सके, लेकिन उसी केस की उसी एफआईआर की जो एफआईआर पटना से मुंबई ट्रांसफर हुई और जिसको सीबीआई जांच कर रही है वो पर्टिकुलर एफआईआर नहीं दर्ज होगी, लेकिन जो दूसरे एंगल जांच नहीं होगी, लेकिन दूसरे एंगल जैसे ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पैसे के घोटाले को जांच कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनडीपीएस के एंगल को जांच कर रही है। तो ये अलग अलग जो एजेंसीज है सब इंडिपेंडेंट एजेंसीज है अलग अलग जगह पर। जब अगर ड्रग का मामला आ गया तो सीबीआई नहीं जांच करेगी, ड्रग का मामला आ गया तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच तो करेगी। तो मैं ये मान लूं कि अगर ईडी या नारकोटिक्स विभाग या चक्रवर्ती को दोषी ठहराता है तो वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, देना किसी को संभव नहीं हो। उस पर बात करने की बजाय तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों पर एक
सकारात्मक डिबेट की तरफ बढ़िए, बजाय कि किसी के वो बातों ऐसी बातों का प्रश्न पूछना जिनका प्रश्न लॉजिकली और लीगली भी सही नहीं हो। ऐसे लॉजिकल तथ्यों की तरह बात करें सर, लॉजिकल सवाल तो है ही ना सर, जनता सर लॉजिकल सवाल तो है ही, जनता जवाब इस बात का चाहती है कि अगर ईडी या नारकोटिक्स विभाग रिया चक्रवर्ती को दोषी ठहराते हैं तो क्या सीबीआई उनको गिरफ्तार नहीं करने देगी? सीबीआई पर सवाल इकट्ठा नहीं सर, सीबीआई पर सवाल सवाल खड़े हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लॉजिकल बातों पे जाइए। यहाँ पर नीरज कुमार ने जिस एंगल से बोला था मुझे लगता है कि उस चीज को समझ नहीं पाए। यहाँ पर नीरज कुमार ने जिस एंगल से बोला था मुझे लगता है कि उस चीज को समझ नहीं पाए, जिस एंगल से जिस चीज के लिए सीबीआई गई है उस चीज में क्या कोई दूसरी एजेंसी अपना पांव अड़ा सकती है, अपना पांव डाल सकती है? सीबीआई जांच कर रही है क्या है कि मर्डर है तो क्या वहाँ ईडी वो ड्रग कार्टेल अलग आ गया? मान लीजिए अभी मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज आ जाए तो एक डॉक्टर की टीम अलग जाके, लेकिन मर्डर और हत्या आत्महत्या वाला केस सीबीआई जांच कर रही है तो क्या बिहार पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस भी उसी एंगल से उसी टॉपिक पे कर नहीं सकती है? उस एंगल से जांच नहीं करते तो वही तो वही तो वही तो आपसे कर रहे थे, आप कानून बढ़ा रहे हैं आप दोनों लोग मिलकर के, बात को समझे। बॉम्बे पुलिस ऐसे ही आप लोग भी हो गए, चीजों को समझ नहीं रहे हैं। अब इसमें गोल्ड स्मगलिंग का अगर कहीं आ जाए मान लीजिए कोई चीज, तो वो गोल्ड स्मगलिंग के लिए अगर कोई और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होगा तो वो उस एंगल से और हर एंगल में अपना केस चलेगा। चलिए चलिए धनुष कुमार जी, डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ रहा है, मुझे समय की कमी है जिसके चलते मुझे डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।